कांग्रेस पार्टी की तेज तर्रार प्रवक्ताओं में से एक प्रियंका चतुर्वेदी ने आज कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ दिया है और उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली है। आपको जरूर ये सुनकर थोड़ा ताज्जुब हुआ होगा कि प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना में क्यों शामिल हो गई। तो इसके पीछे की जानकारी मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी में नाराज चल रही थी। मथुरा में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने गई थी, तब उनके साथ कांग्रेस के कुछ नेताओं की ओर से बदसलूकी की गई। इस बात की जानकारी उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं को भी दी। जिन लोगों ने बदसलूकी की थी उन पर पार्टी ने कार्रवाई भी की, लेकिन अब कुछ दिनों बाद उन्हें पार्टी में वापस लेने का फरमान जारी किया। और ये एक बड़ी वजह रही कि प्रियंका चतुर्वेदी को लगा कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने वाली बात है, इसलिए उन्होंने कल कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को अपनी बात लिखते हुए पत्र के जरिए पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने की बात जो है वो सार्वजनिक तौर पर कर दी है। शिवसेना में उनका आने के पीछे का मकसद उन्होंने ये बताया कि वे मुंबई के रहने वाली है, बचपन से मुंबई में उन्होंने काम किया है, इसलिए उनके दिल के करीब रहने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो शिवसेना है, इसलिए उन्होंने शिवसेना का दामन थामा है। लेकिन ये तो रही प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से दी गई दलील। मुख्य तौर पर अगर देखें तो दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन, यानी शिवसेना के लिए भी एक विन विन सिचुएशन है और प्रियंका चतुर्वेदी के लिए भी विन विन सिचुएशन है कि वो शिवसेना का उन्होंने दामन थामा है। शिवसेना को राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी और इंग्लिश में बोलने वाला एक धड़ाकेबाज प्रवक्ता के तौर पर प्रियंका चतुर्वेदी मिली है और शिवसेना में शामिल होने का फैसला जो राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं वो ये है कि प्रियंका चतुर्वेदी अगर बीजेपी में जाती तो वहाँ पर कई सारे प्रवक्ताओं की फौज है, ऐसे में प्रियंका चतुर्वेदी आखिरी स्थान पर देखने को मिलती है। लेकिन शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर एक दो लोगों के बाद अगर तीखे तौर पर अगर बोलना है इंग्लिश और हिंदी में बात करने वाले प्रवक्ताओं की वैसे पार्टी में कमी है, और नेशनल स्तर पर अगर बात करें तो संजय राउत के अलावा वैसे कोई ज़्यादा शिवसेना की ओर से उनकी पार्टी की भूमिका लोगों तक पहुंचाने में या मीडिया के जरिए पहुंचाने में कमी दिखाई देता है। ऐसे में प्रियंका चतुर्वेदी एक अच्छा रोल जो है पार्टी के लिए निभा सकती है। दूसरा, इलीट क्लास में पहुंचने के लिए शिवसेना जिस तरह से आदित्य ठाकरे एक नई राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, शिवसेना की जो पुरानी इमेज रही तोड़फोड़ वाली पार्टी, इस तरह की जो इमेज रही है उससे कहीं ना कहीं बाहर निकालना है पार्टी को। प्रियंका चतुर्वेदी इसमें एक अच्छी भूमिका निभा सकती है, इसलिए आदित्य ठाकरे की जो फौज है उसमें प्रियंका चतुर्वेदी सही बैठती है, इसलिए भी प्रियंका चतुर्वेदी का शिवसेना में प्रवेश किया गया। मुख्य तौर पर आज उद्धव ठाकरे ने भी साफ करा है कि आने वाले दिनों में प्रियंका चतुर्वेदी के कुवत के हिसाब से जिस तरह का उनकी ख्याति रही है उसी हिसाब से उनको रोल भी जल्द ही दिया जाएगा। तो साफ तौर पर एक संकेत भी उन्होंने दिए कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर शिवसेना की भूमिका कोई रख सके ऐसा पद जो है वो प्रियंका चतुर्वेदी को मिल सकता है। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है और इसका फायदा भी मुझे लगता है आने वाले दिनों में प्रियंका चतुर्वेदी को मिल सकता है।